ऑलरेडी 8-bit का स्क्वाड आप लोगों को नजर आ रही है। यहाँ पे अक्षु के बाल थोड़े से आपको दिखेंगे, थोड़े से गोल्डन गोल्डन टाइप के, एंड जो कि उनकी जो जर्सी है उसमें ब्लेंड कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो टेड वो भी आराम से अपने काउचेस की तरफ बढ़ते हुए, देयर यू कैन सी कि एश भी अभी यहाँ पे अभी बैठेंगे एंड अपने वो नॉन कैंसिल साउंड कैंसिलेशन यहाँ पे ईयरफोन्स पहनेंगे। यहाँ पे दूसरा स्क्वाड आता हुआ एंड यहाँ पर हमारी टीम ब्लाइंड आ रही है। ब्लाइंड के जो प्लेयर्स हैं दे आर रियली गुड विद देयर एग्रेशन। मैंने ब्लाइंड निक को देखा है खेलते हुए एंड उसका गेम प्ले इट्स लाइक बार एक्सीलेंस। एक होता है कि आप गेम प्ले में एग्रेशन डालते हो और एक होता है कि आप IQ के साथ खेलते हो, तो ये बंदा दोनों चीजों को इकट्ठा लेकर चलता है। सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, सॉरी केतन टू कट यू ऑफ, बट आराम से चल रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है मैच के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको ऐसे कैजुअली चल रहे हैं। ये वाला आता हुआ यहाँ पे नेपाल का स्क्वाड, देयर यू कैन सी दैट नेपाल यहाँ पे फर्स्ट एवर कोई यहाँ पे लैंड टूर्नामेंट कोई टीम खेल रही है। यहाँ पे वो अपना फ्लैग कंट्री फ्लैग भी लाते हुए, दे आर सो प्राउड। उनसे कल मैंने बात करी थी, वो एंजॉय कर रहे हैं लैंड इवेंट, जो एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर करता है ना दिल से, ये लोग कर रहे हैं इवेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारे प्लेयर्स नेपाल में रहते नहीं अभी, इवन तो नेपाल की टीम है और ये स्क्वाड आता हुआ पीछे, तो मतलब मच जाती है। बट यहाँ पे एनटीटी का स्क्वाड आता हुआ, बट उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रॉलर्स का स्क्वाड भी आएगा। देयर यू कैन सी नोआ आइकॉनिक एंड दीस गाइस आल्सो कमिंग अप आफ्टर दी स्क्वाड। बिल्कुल, और पीछे से आ चुका है ETG ब्रॉलर्स का स्क्वाड एंड आप देख सकते हो कि मतलब कॉन्फिडेंस हर स्क्वाड के अंदर है। आप देख सकते हो सांगवान इज देयर, नोवा किंग इज देयर, सो दैट मींस कॉन्फिडेंस इज पार। और इसके बाद जो सरप्राइज आने वाला है, ऑडियंस इज गोइंग टू गो क्रेजी बिकॉज ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत धूम मचाई थी। और जो प्लेयर है उनके पास थोड़े सफेद है, लेकिन मुझे लगता है ऑडियंस को अभी ऑलरेडी पता चल चुका होगा, लेकिन ये जो टीम आई है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत धूम मचाई है और प्लेयर क्राउड फेवरेट है। केतन क्या कहना है? सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पे बाल देख रहे हैं स्काउट के, उनका नया स्टाइल है देयर यू कैन सी। और वो एक बाल बोलते हैं जितने सफेद बाल हो उतना ही एक्सपीरियंस होता है, ये यहाँ पे है भी और ये प्रूव भी करता है। अब देखते हैं आज आने वाले दिन में ये लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब दो प्लेस के पास एक्सपीरियंस आ चुका है, स्काउट के भी बाल सफेद है एंड पीछे ड्रीम्स के भी बाल सफेद है, सो दैट मींस ये प्रॉपरली चल रहा है। सो पूरा फनाटिक के लिए तो क्राउड क्रेजी हो चुका होगा ऑलरेडी, बिकॉज फनाटिक इज वन ऑफ दी फैन फेवरेट्स एज एन ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ये टीम भी ओवरऑल। ओके, बट यहाँ पे अब आप देखोगे गॉड लाइक क्रॉन्टन एंड अब उनका पूरा स्क्वाड यहाँ पे एंट्री लेता हुआ एंड यहाँ पे क्रॉन्टन की यहाँ पे मेरे को बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी बिकॉज ही इज द IGL, ही इज द टीम लीडर ऑफ द क्लैन एंड यहाँ पे दच भी आता हुआ उसके साथ। देखते हैं एंटो कीकी ओपी एंड माफिया वो लोग भी अपने यहाँ पे काउचेस लेंगे। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे हैंड रेस है जो कि हमें टूर्नामेंट में यूजुअली देखने को नहीं मिलता, जो कि एक 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 मोबाइल प्लेयर को जो कि जरूरत होती है यहाँ पे दे विल बी गेटिंग वन। क्रॉन्टन वाज रेडी टू फाइट एंड यहाँ पर INT का स्क्वाड आ चुका है, आप देख सकते हो स्लेयर इज आउट देयर एंड INT के सारे प्लेयर्स आपस में यू नो दे आर चीयरिंग द क्राउड एज वेल बिकॉज उनको पता है कि एट द एंड दे हैव टू सोक इनटू द आईज एंड इसी क्राउड को उनको प्रॉपरली यू नो एनचैंट करना अपने गेम प्ले के साथ एंड वो कॉन्फिडेंट है, वो प्रॉपरली इस गेम को अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। सो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर निखर के आ रहा है, निकल के आ रहा है। एंड INT के बाद हम लोगों ने बात करी डी की जगह, बस एक ऐसा आ जाएगा INS यहाँ पे एंट्री लेती हुई टीम इंसीडियस। सबसे पहले जा रहे हैं बिश्मा, उसके पीछे स्मोकी ट्रिगर एंड आखिरी में जोकर, जो कि काइंड ऑफ मेरे ख्याल से ये इनके सेम कैरेक्टर्स इनके गेम में भी घूमते हैं बिकॉज जोकर भी आखिरी में घूमता है एज अ स्नाइपर। अब देखते हैं गेम में कितने स्नाइप देखने को मिलते हैं इनके थ्रू, बिकॉज जोकर आपको पता है शॉट अगर ले रहा है तो वो शॉट मिस नहीं करता। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर बाकी प्लेयर्स मिस करवाना चाहेंगे या नहीं। ओके, बट यहाँ पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टीम इनसेन इज कमिंग अप एंड इनकी भी मैंने बहुत चर्चा सुनी थी जब हमने PMCO भी देखा था लास्ट टाइम में, देवर मैक्सिमस एक्स एंड यहाँ पे आपकी स्क्रीन में प्लेयर्स के नाम KO, इग्नाइट, डूड एंड ओमेगा अपनी सीट्स यहाँ पे लेंगे एंड इसके बाद हमारी टीम मेहम आ रही है। देयर यू कैन सी रेड्स यहाँ पे लीड कर रहे हैं एंड पीछे वैम्पायर एंड क्लोक भी आते हुए। बिल्कुल, एंड हर एक टीम को यही चाहिए इस टाइम पे कि बस वो बैठे अपने एरिया पर एंड बस गेम शुरू करें बिकॉज उनको डोमिनेशन एंट्री में तो उन्होंने दिखा दिया हर टीम ने, बट उनको गेम में डोमिनेशन जो दिखाना है वो हर टीम दिखाना चाहती है। रेड्स, नोवा, वैम्पायर एंड क्लोक अपना एरिया लेते हुए, बट देन इसके बाद जो अगली टीम आएगी दैट विल बी ऑल्सो एन अमेजिंग टीम टू विटनेस। मेगा स्टार्स की टीम आने वाली है बिकॉज ये पूरे एरिया के अंदर फाइट्स आर गोइंग टू हैपन एट एन अमेजिंग लेवल। मेगा स्टार्स की टीम They are walking on the stage and crowd is also going crazy out here and अपना area पकड़ेंगे and उसके बाद fights लेने के लिए तो every team is ready. Okay, but इस team के बाद जो एक Mega X का जो squad आ रहा है उसमें एक player है Slacks करके, उनका हम लोगों ने domination देखा था scrims में, बहुत ज़्यादा अच्छा खेले थे, but अब यहाँ पे देखना बनता है कि LAN में वो लोग कैसे खेलते हैं, but उसके साथ साथ there you can see that crowd cheer coming up for them क्योंकि ये player मेरी ख्याल से
the player to look out for today. He is the most improved player जिसने अभी तक improvement के हिसाब से, because इस बंदे ने international level पर भी बहुत सारे 1v4s कर रखे हैं, so that means इस player को देखना पड़ेगा कि इस level पर, because ये उससे ज़्यादा higher stakes रखता है, ये competition, so किस level पे ये नो gameplay चलता है। एक और नेपाली टीम यहाँ पे entry लेती हुई, and यहाँ पे you can see their name disconnect, एक interesting name, Lakshya OP, Mafia Ninja and यहाँ पे LR2. अब देखते हैं इन प्लेयर्स, पांच प्लेयर्स हैं ये लोग, एक इनके पास एक सब्स्टिट्यूट भी है जो कि PMCU का हमारा फॉर्मेट भी था कि दे कैन आल्सो यूज अ सब्स्टिट्यूट हिज वेल. एंड अभी नेपाली टीम के यहाँ पे सपोर्ट मैं देखना चाहता हूँ कि उनको यहाँ पे इंडियन फैंस भी सपोर्ट करे, बिकॉज दे आर न्यू टू आवर कंट्री. ओह, आर यहाँ पर आ चुकी है क्राउड फेवरेट कैरी एग्जिस्टेंस मबी एंड संधु, ये चार प्लेयर्स जहां पर भी जाते हैं धूम मचा कर आते हैं. एंड ये गेम प्ले देखना पड़ेगा कि ये पहले मैच के अंदर डोमिनेशन शुरू करते हैं, बिकॉज इनका स्टार्ट ही होता है डोमिनेट करो, माइंडसेट रखो एंड गेम को यू नो अपने हिसाब से खेलो, ना कि गेम, ये गेम के जोन के हिसाब से नहीं खेलते, जोन को अपने हिसाब से खिलाते हैं, तो वो डोमिनेशन देखना पड़ेगा. ओके बट कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी यहाँ पे हम देखेंगे इन्हीं के पीछे वॉकथ्रू लेते हुए ओआरपी ऑफिशियल का स्क्वाड. एंड देयर यू कैन सी एक छोटी सी हाइट का एक यहाँ पे बच्चा घूम रहा है मैट डॉग के पीछे, जो दिख भी नहीं रहा अभी आपकी स्क्रीन पे, बट वो बंदा खेलता है क्या जबरदस्त, वो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा. इनके भी पांच प्लेयर है, इनके पास भी एक सब्स्टिट्यूट है. अब देखते हैं मैक्स कश है, इनके पास मजिक है, सिनिस्टर है, कैसे ये टीम यहां पे फॉलो ऑन करेगी इस वाले टूर्नामेंट में. अ गुड थिंग टू लुक आउट फॉर आफ्टर दिस रेकॉर्डिंग ईस्पोर्ट्स. यस, यहां पर रेकनिंग ईस्पोर्ट्स इसके बाद आएगी, वो अपने नाम के ऊपर रखना चाहते हैं, दे वांट टू रेकन दिस कॉम्पिटिशन, बिकॉज ये टीम किसी से अभी पीछे नहीं हटना चाहती. डॉन, डेव, राइजर, इबान, ये चार प्लेयर्स यहाँ पर हैं. एंड इबान इज अ गुड प्लेयर, राइजर इज एन अमेजिंग प्लेयर, डे बहुत अच्छा एंट्री फ्रैगिंग करता है, सो दैट मींस इनकी लाइनअप इज यू नो प्रॉपरली बैलेंस लाइनअप, बट गेम प्ले में कैसे जाएंगे वो चीज हमें देखना पड़ेगा. आरआईपी ऑफिशियल आते हुए यहाँ पे टेम्पेस्ट, यहाँ पे मैं इस प्लेयर को देखना चाहता हूँ आज के दिन में ये कैसे खेलता है, बट एज ऑफ नाउ इनके और पीछे तीन प्लेयर आते हुए जो कि इनको फॉर श्योर सपोर्ट करेंगे टीम में, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बार, इन लोगों ने अपनी वो छाप छोड़ रखी है जहाँ पे ये लोग 4v4 बहुत सारी टीमें बैक ऑफ भी कर जाती है, इनके क्लोज एनकाउंटर्स, इनके स्नाइपिंग, इनके DMRs, बट यहाँ पे एक और यहाँ पे सॉल्टी स्क्वाड जो कि नेपाली स्क्वाड आता हुआ एंट्री ले रहा है. सॉल्टी स्क्वाड क्राउड फेवरेट है, लुक एट देयर लोगो, वो अपना प्रॉपर लोगो दिखाते हैं, दे आर लाइक ये कंपटीशन डोमिनेट करेंगे, रुसन, एजे, नीमा एंड वी कैश. एंड ये स्क्वाड मतलब इंडिया में भी क्राउड पे आपने देखा, क्राउड ने चीयर किया था स्टार्टिंग में, सो इंडिया में भी एक क्राउड फेवरेट स्क्वाड है, बट इसके बाद अब जो टीम आने वाली है इसके लिए ऑडियंस पागल होने वाली है. National champions, there you can see Soul Mortal coming up, followed by Soul Viper, Regal Toss, and Soul Blast. Yes, but that means कि यहाँ पर ये लोग तैयार हैं. Clutch God अभी खेलेंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी टीम, audience की expectations हैं, लोगों की expectations हैं, और fans बहुत सारे हैं. Like Mortal is the biggest influencer, so fans तो बहुत सारे, so fans की expectations भी कैसे जाते हैं वो देखना पड़ेगा. Okay, so अब यहाँ पे Synergy का squad यहाँ पे entry लेता हुआ. Strider, Major Alpha, मैं देखना चाहूंगा इस बंदे को. CV भी अच्छा खेलते हैं. Austin X, ये स्क्वाड मेरी ख्याल से टू लुक आउट फॉर, बिकॉज जो प्रीवियस टूर्नामेंट में हम लोगों ने कास्ट करे थे भाई, Major Alpha ने क्या सेलॉक में इस बंदे ने, मेरे को, मैं पर्सनली इस बंदे से इंप्रेस्ड हूँ, जो इसकी स्पॉटिंग लेवल है, उसके बाद जो एक जो एम कर्सर हमारा मूव करता है, दैट इज समथिंग अमेजिंग टू लुक आउट फॉर. बट यहाँ पे सिर्फ एक ही गर्ल गेमर यहाँ पे आई है खेलने के लिए, यहाँ पे Synergy रिट्रीब्यूशन में वो है, एंड शी इज द वन ओवर हियर टू रिप्रेजेंट Synergy रिट्रीब्यूशन. एंड ये शेरलॉक है, एंड मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे बहुत सारे गोल गेमर्स भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो लोग हमें ग्लोबल लेवल पे भी जाके हम लोगों को रिप्रेजेंट करें, बट एज ऑफ नाउ Synergy रिट्रीब्यूशन अपनी यहाँ पे सीटिंग ले ली है, यहाँ पे ट्रस्टेड प्रोसेस अगली टीम आने वाली है. ट्रस्टेड प्रोसेस एक और नेपाली टीम यहाँ पर आ रही है, एंड ऑब्वियसली प्लेयर्स आर रियली रियली यू नो इनटू द कंपटीशन, बिकॉज एक होता है कि आपके उनके चेहरे पर दिख जाता है, दे वांट दैट कंपटीशन टू हैपन एट एन अमेजिंग लेवल, वो कंपटीशन के लिए वो लोग बैठना चाहते हैं, यू नो फाइट लेना चाहते हैं, बिकॉज वो फाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट इसके बाद जो आएगी वो होगी 0 degree, एंड वो टीम भी ऑब्वियसली यू नो खुद का लोहा मनवा चुके, सो देखना पड़ेगा कि गेम में अब बिकॉज सारे रोस्टर्स भी शफल हो रखे, सब कुछ हो रखे, तो कैसे पूरा का पूरा गेम प्ले चेंज होता है. बट 0 degree का स्क्वाड यहाँ पे मैं बोलूंगा अंडरडॉग, जो कि पान सिंह यहाँ पे इस टीम को मेरे ख्याल से लीड करेंगे, ही इज द आईजल, ही विल बी द आईजल. इनके पास पूरे चार प्लेयर्स हैं, बाकी देखते हैं कैसे ये टूर्नामेंट आगे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बट यहाँ पे ये टीम अंडरडॉग है, देखते हैं ये लोग कैसे मूव करने वाले हैं आगे इस टूर्नामेंट में. लेट्स सी, गो फॉर गॉड. और टीम की जब जहाँ तक बात करें, मैंने पहले भी बताया था कि हाँ सीडिंग के हिसाब से ग्रुप बनते, लेकिन जो शफल्स हुए, तो जो आपको मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं दो दिन से सोच रहा हूँ कि इतनी बहुत सारी टीम शफल हुई, तो जो Synergy होनी चाहिए प्लेयर्स के बीच में, आपको लगता है इवन दो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें दिक्कत आ रही है इनको?
मेरे ख्याल से तो नहीं, बट वो लोग एज अ पर्सन सबको जानते हैं, तो इतना ज्यादा ये नहीं कि कोई कौन सा एक नया ही बंदा आ गया सामने। अगर मेरे को पता है कि ओशा मेरी टीम में आ रहा है, आई नो हाउ इज प्ले स्टाइल इज, कैसे वो बंदा रिएक्ट करेगा अगर मैं उसको ये बोलता हूँ, बट इट इज नॉट लाइक दैट। बट अब देखते हैं कि वो एक लेवल पे आके अगर आप उनके साथ खेलते हो तो वो शायद वो रिफ्लेक्ट करती है, बट अगर आप नॉर्मल स्क्रम्स खेल रहे हो मेरे ख्याल से तो नहीं। बट यहाँ पे वही टेम्परामेंट यहाँ पे टेस्ट होगा इन प्लेयर्स का।